हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एमएमस्टी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं झेलम नदी का उद्गम, इसके बारे में देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं झेलम नदी के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट देखते हैं। तो देखते हैं प्रथम पॉइंट, क्लियर। प्रथम पॉइंट देखते हैं तो झेलम नदी का जो पुराना नाम, ठीक है, इसका पुराना नाम बितस्ता है, क्लियर। बितस्ता नदी है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका जो उद्गम की बात करते हैं, किस जगह से ये निकलती है। तो इसका ये है बेरीनाग झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ से निकलती है, क्लियर। और यह भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करती है, भारत पाकिस्तान और इंडिया, क्लियर, सीमा का निर्धारण करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह नदी बूलर झील से होकर फ्लो करती है। यह नदी बूलर झील जम्मू एंड कश्मीर से होकर फ्लो करती है, क्लियर। और श्रीनगर झेलम इसी नदी के किनारे स्थित है, क्लियर। तो श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है, क्लियर। इसका जो मुहाना है वो है चिनाब नदी। ये चिनाब नदी में अपना जल छोड़ती है, क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर है। जबकि भारत में कुल लंबाई की बात की जाए तो वो है 400 किलोमीटर है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लियर। तो इस पे कुछ ब्रिज भी बने हुए हैं, जीरो ब्रिज, क्लियर, अब्दुल्ला ब्रिज, क्लियर। तो ये ब्रिज बने हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया।